हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं फोटोग्राफ में, आज मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ कटरीना कैफ के हैंड का। तो काफ़ी क्लियर लाइंस दिखाई दे रही हैं इनकी और यहाँ पर सारे माउंट्स भी बड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनके हाथ में खास चीज़ें हैं उनको बताना चाहूँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो फेड लाइन है बाय फोर्क होकर चल रही है। यहाँ पर कुछ इस तरह का फोर्क बन रहा है, उसके आगे फेड लाइन चलती नज़र आ रही है। यहाँ पर बाय फोर्क का बनना यानी चाइल्डहुड में कुछ प्रॉब्लम्स में से निकलना, चाहे वो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की तरफ से हों या किसी ना किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे बढ़ना। तो कोई भी लाइन जो बाय फोर्क होकर चलती है वह प्रॉब्लम्स को शो करती है। तो ऐसा ही इनकी जो फेट लाइन है यहाँ पर शो कर रही है। उसके बाद सेकेंड आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन, बहुत ही क्लियर लाइफ लाइन है, बिल्कुल गुलाई में है। एक बहुत अच्छा वीनस माउंट यहाँ पर कवर कर पा रही है। वीनस माउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, इनका प्रोमिनेंट वीनस माउंट है जिसकी वजह से इनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना फेम मिल रहा है और जो खूबसूरती है वो भी वीनस माउंट की वजह से ही व्यक्ति को मिलती है। तो बहुत ही प्रोमिनेंट वीनस माउंट है इनके हाथ में, काफ़ी अच्छी लाइफ की लाइन जिसकी वजह से लाइफ इनकी काफ़ी लंबी रहने वाली है। 80+ की लाइफ यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ और देखने वाली है यहाँ फेट लाइन में आकर एक लाइन का जुड़ना। यहाँ से आप देख सकते हो मून एरिया से आकर एक लाइन फेट लाइन में जुड़ रही है जो शो करती है बाहरी वर्ल्ड से सपोर्ट मिलना, यानी चाहे इनकी फैंस की तरफ से हैं, इवन के स्पाउस की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है ऐसे व्यक्ति को जिनके इस तरह की लाइन होती है। तो बाहरी वर्ल्ड तो इनके लिए खास है ही, क्योंकि जितने भी इनके फैंस हैं उनकी सपोर्ट इनको मिल रही है यहाँ पर। और इसके बाद अगली लाइन बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी क्लियर है इनके हाथ में, कुछ इस तरह की लंबी लाइन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इंडिपेंडेंट नेचर भी शो हो रही है, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में जुड़ नहीं रही हैं, ना ही माइंड की लाइन और लाइफ लाइन के साथ जुड़ रही है, और थोड़ा सा फिंगर के बीच में भी गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर भी इनकी रहेगी और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रांग और शार्प माइंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यह लाइन भी थोड़ी सी बाय फोर्क हो रही है इनके हाथ में, माइंड की लाइन जो शो करती है इनकी इमेजिनेटिव पावर को, और काफ़ी इमेजिनेशंस रहेंगी इनके अंदर, काफ़ी इमेजिनेटिव पावर रहेगी। उसके साथ साथ काफ़ी स्ट्रांग विल पावर भी है, क्योंकि जो अंगूठा है बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है मुझे, फ्लैक्सीबिलिटी अंगूठे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं रिजिड टाइप का अंगूठा है इनका, और काफ़ी अच्छी विल पावर व्यक्ति को मिलती है जिनके हाथ में अंगूठा जो होता है वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना दिखाई दे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ कर्व ले रही है। तो इमोशनल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं इनकी देख पा रहा हूँ, काफ़ी इमोशनल नेचर इनकी रहने वाली है। मून एरिया के ऊपर काफ़ी सारी लाइनें दिखाई दे रही हैं जो ट्रैवल ओवर द सी, यानी कि समुद्री यात्राएं या जो फॉरेन ट्रैवल्स इनको हम कह सकते हैं, काफ़ी सारी इनको करनी पड़ेंगी। बहुत सारी मून एरिया के ऊपर लाइंस जो इनको एक तरह से फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग भी बनाती हैं। और बाकी के माउंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा माउंट मुझे यहाँ पर इनका बृहस्पति माउंट दिखाई दे रहा है। बृहस्पति माउंट के साथ साथ जो फिंगर है बृहस्पति वो भी काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से एक अच्छी लाइफ मिलती है, स्टेटस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। अगर अच्छा बृहस्पति हो तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे कटरीना कैफ के हैंड के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।